जय जिनेन्द्र दर्शकों, आज की वीडियो में हम मैना सुंदरी की कथा के बारे में जानेंगे। हम आपको सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। उज्जैन नगर में महाप्रतापी प्रजापाल नामक राजा राज्य किया करते थे। उनके दोनों रानियों से एक एक पुत्री थी। पहली रानी सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम सुर सुंदरी, जो स्वभाव से मिथ्यात्व को मानने वाली थी। दूसरी रूप सुंदरी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी था, जो सम्यक्त को धारण किए हुए थी। एक दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों की बुद्धिमता की परीक्षा लेने के लिए राजा ने सवाल पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपको सभी खुशियाँ मिल सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुर सुंदरी ने कहा, मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। प्रश्नोत्तर में मैना सुंदरी ने कहा, सभी जीवात्मा अपने पूर्व भव एवं वर्तमान कर्म के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करते हैं। उसमें ना कोई कम कर सकता है और ना ही किसी के सुख दुख को बढ़ा सकता है। मैना सुंदरी के ये सब वचन सुनकर राजा अति क्रोधित हुआ। उसने कहा, मैना, तुझे ये हीरे से जड़े रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, रत्नों के झूले, दास दासियां, सभी कुछ मेरी मेहरबानी से ही मिल रहा है। मैना ने कहा, पिताजी आप क्रोधित ना होइए, मैंने मेरे पूर्व भव के कृत कर्मों के कारण ही आपके यहाँ जन्म लिया है। प्रजापाल राजा ने पुत्री सुर सुंदरी की इच्छित वरदान दिया एवं शंखपुरी के अधिपति राजा अरिदमन के साथ उनका विवाह राजशाही ठाट बाट से किया। दहेज में अनन्य धन दौलत दास दासियां दी। घमंडी पिता प्रजापाल ने मैना को धिक्कारते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है, तू वास्तव में मूर्ख है। इस राज्यसभा के समक्ष मैंने मान सम्मान को भयंकर ठेस पहुंचाई है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अगले दिन जब प्रजापाल शिकार पर निकले, वहां एक झुंड को उन्होंने आते हुए देखा। पता लगने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये 700 कोड़ियों का झुंड है। राजा का विरोधी मन अहंकार से ज्वलित हो उठा और पुत्री मैना का विवाह कोड़ियों के राजा श्रीपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया। श्रीपाल की बारात राजमहल की ओर बढ़ रही थी। सभी तरफ कोतूहल का माहौल था। सभी लोग रोग से ग्रसित थे, कईयों के शरीर पर घाव थे, खून टपक रहा था, मक्खियां भिन भिन आ रही थीं। उन्हें देखकर लग रहा था कि नरक से भी बदतर जिंदगी वे लोग जी रहे हैं। राज्यसभा में प्रजापाल ने आदेश स्वरूप कहा, मैना, तेरे कर्म द्वारा प्रदान यह तेरा पति आया है, इसके साथ शादी कर सभी प्रकार के सुखों को तू भोग ले। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। दर्द से तड़प रहे कोड़ी के गले में वरमाला अर्पित करके उसने अपने पति के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। श्रीपाल लड़खड़ाती आवाज में मैना से कहते हैं, खूब गहराई से सोच लो, कंचनवर्णी तुम्हारी काया है, मेरे साथ यह नष्ट हो जाएगी। तुम देवांगना जैसी मुझे पति मानना उचित नहीं है। ऐसे वचन सुनकर मैना को अपार दुख हुआ, आंखों से आंसू टपकने लगे। पति के चरणों में गिरकर बोली, हे स्वामी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जैसे सूर्य पश्चिम दिशा से नहीं उगता, ठीक वैसे ही सती स्त्रियां अपने पति धर्म से कभी भी दूर नहीं होती। श्रीपाल कुमार जन्म से ही कुष्ठ रोग से ग्रसित क्यों थे, हम इसके पूर्व भव का वृत्तांत आपको बताते हैं। श्रीपाल राजा पूर्व भव में हिरण्यनगर के श्रीकांत नाम के राजा थे, जिन्हें शिकार का व्यसन था। उनकी रानी श्रेष्ठ गुण वाली श्रीमती, जिनकी जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी, वे हमेशा राजा को एकांत में समझाया करती थीं कि किसी भी जीव की हिंसा से जन्मों जन्म तक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणास्पद कृत्य से पृथ्वी दोनों लज्जित होती हैं, लेकिन गलत मार्ग के व्यसनी इतनी जल्दी कहाँ समझने वाले थे। एक दिन 700 लोगों की टोली के साथ राजा श्रीकांत शिकार के लिए भयंकर जंगल में गए। वहां पर ध्यान में खड़े एक मुनिराज को देखकर सभी व्यंग के साथ कहने लगे, ये तो किसी रोग से ग्रसित कोड़िया है, इसे मारो। राजा के मुख से वचन निकलते ही सभी मिलकर उन मुनिराज को मारने लगे। मुनिराज खून से लहूलुहान हो गए। इस दृश्य को देखकर राजा आनंद रस में डूब गया। मुनिवर ने तो समता भाव में लीन होकर संलेखना धारण की
उधर धर्मानुरागी श्रीमती के बारंबार अनंत बार समझाने पर भी श्रीकांत को अपने पुण्य के उदय से कुकृत कार्यों का एहसास हुआ और महापाप का प्रायश्चित करते करते उसने संयम दीक्षा ग्रहण कर ली। जिन शासन की आराधना करते हुए श्रीकांत के जीव ने मृत्यु के उपरांत श्रीपाल राजा के भव में जन्म लिया। पूर्व पुण्य एवं कठोर पश्चाताप से राजा के यहाँ उम्बर नाम से उसने जन्म लिया, मगर जन्म के साथ ही वे कोल रोग से ग्रसित हो गया। राजा श्रीकांत ने पूर्व भव के 700 सैनिक को भी कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर मानव जन्म में आ गए। जब श्रीपाल कुमार बड़े हुए तब संयोग से एक दिन वह कोड़ियों की टोली घूमती फिरती उस गांव में आई और श्रीपाल को अपने साथ ले जाकर टोलियों का प्रमुख बना लिया। इस प्रकार राजा श्रीपाल कोड़ रोग से ग्रसित हुआ। अब हम आपको आगे की कथा बताते हैं। प्रातः काल होने पर मैना ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, चलिए भगवान आदिनाथ के मंदिर जाकर उनके दर्शन करके आते हैं। ऋषभदेव प्रभु के दर्शन से दुख और क्लेश का नाश होता है। एकाग्रचित से भक्ति भाव से दोनों ने प्रभु दर्शन किए एवं कायोत्सर्ग आदि करके मैना ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो जगत के चिंतामणि रत्न के समान हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, शरण में आए सेवक के आप ही आधार हैं, हमारे दुखों को दूर कीजिए। पूजन होने के बाद मैना ने अपने पति से कहा, स्वामी, पास में ही प्रोषदशाला में गुरु भगवंत विराजमान हैं एवं उनकी देशना भी हो रही है, हम भी वह धर्म देशना सुनकर कुछ पुण्य अर्जित करते हैं। देशना के उपरांत मैना ने गुरुदेव से विनती करते हुए कहा कि हे गुरुवर, आगम शास्त्रों में देखकर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति का ये कुष्ठ रोग समाप्त हो। आचार्य बोले, यंत्र तंत्र, जड़ी बूटी, मणि मंत्र, औषधि आदि उपचार बताना जैन साधुओं का आचार नहीं है। परंतु फिर भी गुरुदेव ने आगम में देखकर मैना से कहा कि आप श्री सिद्ध चक्र विधान आयोजित कीजिए। गुरुवर ने मैना से कहा कि आप श्री सिद्ध चक्र जी की स्थापना कर नव पद की आराधना, ध्यान और पूजन कीजिए। यह तप आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को आरंभ करके इसी तरह चैत्र शुक्ल सप्तमी से कुल 4.5 वर्ष तक आराधना कर छल कपट रहित होकर शुद्ध भक्ति भाव से यह तप कीजिए। इस तप की विशुद्ध आराधना से रोग दूर और सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। पूजन के पश्चात गंधोदक के लगाने से 18 प्रकार के कोड़ों का नाश होता है एवं घाव भी अच्छे हो जाते हैं। विविध प्रकार की पीड़ा वेदना सभी दूर हो जाती है। मन वचन काय को संयम में रखकर शुद्ध उच्चारण से नव पद को समर्पित भक्ति भाव से धर्म ध्यान आराधना कीजिए। उसकी सभी प्रकार की वेदनाएं दूर होकर इस भव और पर भव में भी मन वांछित सिद्धि देने वाली होंगी। जैनाचार्य ने मैना को ये श्री सिद्ध चक्र का यंत्र बनाकर दिया एवं संपूर्ण विधि समझाकर शुभ आशीष प्रदान किया। श्राविकाओं ने मैना और श्रीपाल को अपने घर ले जाकर स्वामी भक्ति की। गुरु आज्ञा अनुसार मैना सुंदरी ने इस विधान को पूर्ण किया और विधान पूर्ण होते ही राजा ने एक सुंदर, तेजस्वी, कांतिमय राजकुमार श्रीपाल का रूप फिर से धारण कर लिया। यह उनके द्वारा पूर्व भव में की हुई गलतियों का उसी भव में आत्मिक पश्चाताप एवं इस भव में शुद्ध भाव से जिन शासन के 9 रत्नों की आराधना का ही नतीजा था। गुरुदेव की धर्म सभा में जिन शासन की महिमा और जैनम जेतु शासनम एवं गुरुदेव के उपदेशों की जय जयकार गूंज उठी। गुरु की आज्ञा से प्राप्त कर दोनों घर आ गए। वहाँ कई वर्षों से इंतजार करती श्रीपाल की माता का दिल उन्हें देखकर इतना प्रफुल्लित हुआ जैसे उन्हें संसार ही नहीं स्वर्ग के सभी सुख मिल गए हों। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए और माँ ने करुणामयी आशीर्वाद दिया। माँ ने दोनों को गले लगाते हुए करुणामय आशीर्वाद दिया और जिनवाणी के मार्गदर्शन को शाश्वत बताते हुए बहू को दिल से आभार व्यक्त किया। भवो भव से जिन शासन की आराधना में रहे इस जोड़े ने अपने 700 कोड़ी साथियों की भी आराधना से ही कोड़ रोग को दूर किया।
वर्षों उपरांत एक दिन राजा प्रजापाल ने महाकाल राजा के स्वागत में कार्यक्रम रखा। उसमें श्रीपाल राजा मैना सुंदरी को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में नृत्य रखा गया और नृत्यांगनाएं भी बुलाई गईं। जब नृत्य की शुरुआत हुई तब अशुभ कर्म करने और उनके उदय से उस नृत्यांगना की पहचान हुई। जब मैना सुंदरी को ये बात पता चली कि वह नृत्यांगना कोई और नहीं उसी की बहन सुर सुंदरी है तो ये बात उसको बहुत ही बुरी लगी और सुर सुंदरी मैना सुंदरी के पैरों में गिरकर बहुत रोई और अपनी पूरी व्यथा बताई कि वह किस तरह बिक कर वैश्यालय पहुंच गई और अकथनीय कष्टों को भुगतती रही। मैना उसे संतावना देकर घर लेकर गई और सुर सुंदरी ने भी पश्चाताप करते हुए स्वकर्म को स्वीकार कर जिन आराधना में लग गई। दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने स्वकर्म के सिद्धांत को समझा जो शाश्वत है और केवली प्रणीत है। हमें इसको समझना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।